आज गायत्री के विषय पर आगे बढ़ते हुए जब करते समय ध्यान भटकना स्वाभाविक है मन का स्वभाव है कि जब को वो एक ऑटोमेटेड रास्ते पर डालकर जब भी चलेगा मन भी भटकेगा उसी प्रकार जैसे गाड़ी चलाते समय गाड़ी भी चलती है विचार भी चलते हैं अब यह मन स्थिर हो जप पर आरूढ़ हो और एक नए विज्ञान की उत्पत्ति हो विज्ञान विज्ञान शब्द से तात्पर्य यहां प्रयोग से है एक्सपेरिमेंट से सफल प्रयोग से क्या मंत्र की ऊर्जा और भाव की शक्ति का युग्म हो जाए फ्यूजन जैसे ही मंत्र की ऊर्जा यानी शब्द की तरंग की शक्ति और भाव हृदय से तरंगे उठती हैं उन दोनों का समन्वय हो जाता है फ्यूजन हो जाता है बहुत बड़ा प्रभाव मंत्र का उत्पन्न होता है अद्भुत प्रभाव इतना प्रभाव कि मैं अभी केवल एक ही विषय पर हूं आगे नहीं गायत्री अनंत है अनंत अनंत है इन्फिनिटी है और उस इन्फिनिटी में से एक करना लिया हमने क्या आत्मविश्वास इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आत्मविश्वास से भर जाओगे और जो आत्मविश्वास से भर गया वो निश्चित रूप से ना तो शिकायतें करेगा ना दूसरों में दोष ढूंढेगा वो करेगा जो उसे करना है पूरी शक्ति पूरी क्षमता के साथ पूरे जीवट के साथ पूरे मनोयोग के साथ अपने संकल्प पर आरूढ़ होगा उसे कोई आंधी हरा नहीं सकेगी वो संकल्प बल के प्रचंड ऊर्जा से पूरित होकर के आगे बढ़ेगा अपने शिव संकल्प को पूरा करने के अपने सदुद्देश्य को प्राप्त करने तो कैसे मन स्थिर हो भटके नहीं इसका एक पक्ष कल के भाग तीन में दिया गया था आज इस भाग चार में धारणा कल थी आज उसी का एक दूसरा पक्ष कि मन अगर भटके तो क्या एक तो कल था कि प्रकाश की धारणा को इष्ट की धारणा को स्थिर कर लो आजकल के इस आधुनिक संयंत्र की भांति इसकी भांति स्थिर कर लो और स्थिर करके और फिर अपने भीतर पुष्ट करो बार बार उसी को देखो दूसरा अगर वहां से भटके ध्यान तो फिर जो मंत्र बोल रहे हो ओम सुन संत देव हरि बोल परम देव सदयुनि ऐसे बोलते हैं ना बुदबुदाओ के पहले पहले तो है ना तो क्या करो जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करो शब्द पर केंद्रित करो पर धीरे नहीं करना शब्द ऐसे नहीं करना ओम भूर भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदया शुरू शुरू में तो ठीक है पर आगे चल के नहीं छोटे बच्चे की तरह थोड़ी ना हम अब ट्राईसिकल चलाएंगे या कैंची वाली साइकिल चलाएंगे टांग नीचे से लेके साइकिल के फ्रेम के ऊपर से दोनों तरफ टांगे रख के चलानी है ना तो क्या करेंगे थोड़ी गति बढ़ाएंगे धीरे दिर धीरे एकदम से नहीं धीरे धीरे सहज कैसे बढ़ाएंगे जैसे

इस प्रकार से आवाज बीच उत्पन्न भीष्ट करके गति बढ़ाओ धीरे 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 स्पीड बढ़ाओ एक दिन में नहीं डोन्ट डू इट इन वन डे डों टेक टाइम धीरे धीरे महीने में डेढ़ महीने में दो महीने में क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर आप स्पीड बढ़ाओ और फिर एक समय आएगा होठ बंद हो जाएंगे अंदर जी हिलती रहेगी और फिर जीप भी नहीं हिलेगी और फिर जो गति होगी उसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा अभी तो तुम कहो गे ऐसे होता है <laughs> ऐसे ही होता है इसमें क्या है जिस आदमी को जो काम करने में थोड़ा अभ्यास हो जाए कुछ नहीं होता तो तुम्हें ध्यान शुरू शुरू में जब जब तुम्हारा मानसिक बन जाएगा और स्पीड पकड़ लेगा तब ये युक्ति काम नहीं आएगी ये सिर्फ आरंभ में काम आएगी जब तक तुम बुदबुदा रहे हो या जीव हिला रहे हो क्योंकि तब मंत्र की गति इतनी होती है कि तुम ध्यान से उस शब्दों को अनुभव कर सकते हो पर जब मानसिक रूप में गति चली जाती है फिर पकड़ना प्राय बहुत कठिन होता असंभव नहीं कहूंगा बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि फिर स्पीड बहुत आगे चली जाती है बेटा फिर उसको ध्यान से पकड़ पाना सहज नहीं होता मतलब ठीक है पकड़ लो सहज नहीं है, फिर वो बहुत आगे जाता है। तो आरंभ में तुम्हें बड़ी मदद मिलेगी और ध्यान का भटकाव आरंभ में रोकना ही तो मुश्किल है इसलिए आरंभ में ध्यान भटके या तो इष्ट को देखो माने धारणा प्रकाश को देखो उगते सूर्य को देखो इष्ट को देखो या जैसे भटके तो उसको सुनना शुरू कर दो अपने कानों में अपने अंदर सुनो 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 तो क्या होगा कि ध्यान तुम्हारे पास दो रास्ते मिल गए भटकने के ध्यान के अभी एक तीसरा रास्ता भी है जिसकी चर्चा में कल करूंगा क्योंकि तो एक पक्ष में थोड़ा सा और लेना है बीच में बार बार प्रश्न आ रहे हैं इसलिए ले रहा हूं वरना तीसरा पक्ष आज ले लेता है तो तुमने क्या करना है एक ध्यान प्रकाश पर उगते सूर्य पर आंख आंखों के पीछे यही लग, यहां लगा लो यहां बहुत ऊपर मत करना यहीं यहीं बस देखो और वहीं पर अपने इष्ट को देखो ये 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 ये, ये। जहां नाक की हड्डी खत्म होती है कहाँ खत्म होती है यहां खत्म होती है यहां ख़त्म नहीं हो रही यहाँ नहीं हो। लोग ना फिर आंखें चढ़ाते हैं ज्यादा वो मत करना डोंट रेज योर आई बॉल्स ऐसे मत करना ऐसे रखो यहाँ यहाँ जहाँ नाक की हड्डी खत्म हुई ये ये इसके लिए चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके लिए बस जरा से यूं करने की जरूरत है हल्का मामूली से वो भी ज़्यादा नहीं डोंट डू लाइक दिस ऐसे कर लो वो तू यहां आ गए यहां नहीं आना देख बेटा देख रहा है ना मुझे देख रही है ना बच्चे ध्यान से देख ऐसे नहीं करना तूने ये तो तू नाक पे चलेगी ऐसे करना ऐसे यहां ऐसे ऐसे नहीं ऐसे समझ गए हैं बिल्कुल ये यह। ना यहां करेगी बेटा हैं? ठीक है और ना यहां करना है यहां ऊपर बीच में यहां मध्यम मार्ग प्रतिपदा समझ गए यहां बिल्कुल सेंटर में नाक की अड्डी जहां खत्म होती वहां ध्यान करो और बहुत सहज है उसके लिए आंखों को चढ़ाने की कष्ट देने की आई बॉल्स को स्ट्रेन करने की वो जो आंखें चढ़ने वाली अवस्था है ना बेटा वो अपने आप स्वतः फिर बाद में कभी होती होगी होगी पर अभी नहीं अभी तुम इसको ऐसे करोगे तो तुम भटक जाओगे क्योंकि तो तुम्हें केवल यहीं तक रखना है इसको ना कि अड्डी खत्म हुई जहां जड़ है उसकी रूट वहीं बस और उसके लिए आंखों को यूं नहीं ले जाना न यू ले जाना यू रखना है सामने की तरफ बस हल्का सा मामूली सा हल्का सा नॉट मच ज्यादा करोगे तो नाक पे आ जाओगे समझ में आई बेटा आ गई ओके okay, गुड <laughs> अब यहां रखते हुए और फिर उसके बाद जरा सा ध्यान भटका यहां से कहीं और गया पता लग गया मैं तो किसी थॉट में चला गया चली गई वापस आए ये जो हल्की सिहरन है ना ये अध्यात्म में बेटा बड़ी मदद करती है बड़ी मदद करती है ये इतनी मदद करती है कि ये समझ लो कि राम बाण है ये।, ये राम का बाण मान लो इसको इससे साधक अपने आप को बटोरने में बड़ी सहायता प्राप्त करता है झटक करके अपने को वापस लाना हल्का सा हल्का सा झटका वापस लाए वापस लाए वापस लाए इसकी सहायता से तुम अपने आप को बहुत संभाल पाओगे ये बातें बेटा स्कूल में सिखाई जाए ना अगर बच्चों को तो स्वामी विवेकानंद गलत नहीं कहते ग्यारह साल का सिलेबस एक साल में पढ़ाया जा सकता है अगर एकाग्रता विकसित हो जाए तो एकाग्रता नहीं विकसित करते हम कॉन्सेंट्रेशन जिसे पढ़ना है उसका प्रशिक्षण नहीं करते उसको पढ़ाते जाते हैं पर उसको नहीं प्रशिक्षित करते उसको विकसित नहीं करते इसीलिए चलो हम विषय पर आएंगे तुम्हें अपने आप को वापस लाना है वापस ला वापस लाना है भटक के वापस लाओ वापस आए कहाँ अब मंत्र सुनो चलो मंत्र सुनते हैं ओम रो रम फिर बन भटका अब इष्ट को देखते हैं ओम या सूर्य को देखते हैं फिर भटक गया तो इसको सुनते हैं फिर भटक गया इष्ट को देखते हैं फिर भटक गया इसको सुनते हैं ऐसे ऐसे करेगा ना बच्चे तो धीरे धीरे देखोगे तुम्हारा अपने ऊपर नियंत्रण हो गया है जो बार बार उठ के जाता था भटकने के लिए कम होगा भटकेगा 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 कम होगा अरे कम हो गया तेरे लिए तेरी तो बात बन गई हम्म, एक तरीका और भी है तीसरा वो कल बताऊंगा पर दूसरी बात महिलाएं गायत्री कर सकती हैं कि नहीं कर सकती महिलाई मुझे कही आई जो मुझे ज्ञात हुआ ब्रह्म ऋषियों के माध्यम से ज्ञान उन्हीं का है तो ये तो बेटा उधार के माल पे कॉलर ऊंचा हो रहा है <laughs> माल तो उधार का है सारा जिनका है उन्हीं का है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो एक ब्रह्म ऋषि थे निश्चित ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने इस बात का निदान करने के लिए 1920-30 का मुझे नहीं मालूम सन मुझे याद नहीं पूरे राष्ट्र के जितने भी बड़े आर्ष ग्रंथों के विद्वान थे उनकी एक बहुत बड़ी सभा काशी वाराणसी में आयोजित की थी कुछ मूल बिंदुओं पर वहां पर मनन मंथन करके युगानुकूल जिसे कहते हैं ना एक सत्य स्थापित करने थे युगानुकूल पहला उसमें से यही था कि क्या महिलाएं गायत्री उपासना कर सकती हैं तो निष्कर्ष यह निकाला गया कि ढूंढो आर्ष ग्रंथों में वेदों में उपनिषदों में जहां से मंत्र आया तो क्योंकि माता है तो जानने की चेष्टा करो कि क्या कहीं वेदों में कोई प्रतिबंध है जो जेंडर बेस्ड है तो जेंडर बेस्ड प्रतिबंध को पता करने के लिए पूरा मनन मंथन हुआ पूरा कुंभ एक प्रकार से कुंभ सा था वो वो वाला कुंभ नहीं एक प्रकार से तो निष्कर्ष निकला कि ऐसा कोई भी उल्लेख किसी आर्ष ग्रंथ में नहीं है जो ये वर्जना करता वर्जित करता हो कि गायत्री जेंडर बेस्ड है महिलाएं नहीं कर सकती ऐसा कहीं नहीं लिखा तो उस दिन से स्थापित हो गया कि महिलाएं गायत्री उतने ही अधिकार से करेंगी जितने अधिकार से पुरुष करते हैं उन कुछ दिनों को छोड़ करके तुम बेटा संकेत सब समझ रहे हो उन कुछ दिनों को छोड़ करके जिन दिनों मनस्थिति अलग होती है भीतर के शरीर के रसायनों की रचनाओं में बड़े ज्वार भाटे चल रहे होते हैं इसलिए उन दिनों को छोड़ करके बाकी दिन जितना अधिकार किसी पुरुष के पास होगा उतना ही नारी के पास अनुभव कहता है अनुभव कहता है जो मुझे ब्रह्म ऋषि से प्राप्त हुआ वो जो मुझे अपना हुआ वो लड़कियों की उपासना ये जेंडर बेस्ड नहीं है वो सत्य है सा लड़कों के अनुपात में कई गुना अधिक चरितार्थ होती है बाकी कल ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है